आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं पिक्चर्स के बारे में, हम बात कर रहे हैं स्टेशन के बारे में। स्टेशन मतलब कि आप इमेज वर्ड पे किस तरह की पिक्चर्स को कैसे यूज करेंगे। दूसरे बात करते हैं कि किसी इंटरनेट से या किसी पेज से कोई पिक्चर उठा के आप कैसे डालेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे स्टोर पे ही कोई ऐसा पिक्चर है, मान लीजिए गूगल शीट का ही पिक्चर है, मुझे इसी पिक्चर को कॉपी करके वर्ड पे ले जाना है। तो आपको जिस पिक्चर में कॉपी करना है उसको राइट क्लिक करके कॉपी इमेज कर लीजिए। तो उसके बाद आप यहाँ जो वर्ड पे ले जाना है तो आप पेस्ट कर दीजिए। नॉर्मली आप पेस्ट करते हैं तो जहाँ आपका कर्सर है वहां पे आपका पिक्चर पेस्ट हो जाता है। पिक्चर पेस्ट होने के बाद यहाँ दो चीज आप देखेंगे, यहाँ दो से तीन चीज है। ये जैसे रोटेशन हुआ कि इसको एंगल पे आप रोटेट कर सकते हैं। दूसरा ये जो आपका आता है, ये आता है लेआउट ऑप्शन की इमेज कैसे टाइप होगा, ऊपर टाइप होगा फिर नीचे टाइप होगा। यहाँ से इमेज ले सकते हैं कि भाई ये आपका टाइटली हो, दोनों तरफ टाइप। और तीसरा इसका ऑप्शन आता है यहाँ पे जो पेस्ट करते हो तो पेस्ट ऑप्शन, तो हालांकि पिक्चर्स में उतना इफेक्टेबल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे भी टाइप हो सकता है और इससे पहले भी अगर हमने रखा हुआ है तो पहले भी टाइप हो सकता है। ये ऑप्शन यहाँ से दिखाता है, ठीक है। दूसरी चीज पिक्चर को अपने हिसाब से ले आ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि पिक्चर को अपने हिसाब से जहां मर्जी वहां आप रख तो सकते हो और रोटेट भी कर सकते हो। उसके बाद बात आती है पिक्चर की, अपनी एक फॉर्मेटिंग होती है। यहाँ पिक्चर फॉर्मेट पे आप जाते हैं, इसकी का अपनी फॉर्मेटिंग। सबसे पहले आता है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड मतलब किसी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना, उसके लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये उतना कारगर तो नहीं है। लेकिन हाँ कुछ केसेस में बैकग्राउंड को रिमूव कर देता है। जैसे मैं मान लीजिए तो मोदी जी का ही फोटो मैं डालता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसकी बैकग्राउंड मुझे रिमूव करनी है तो पिक्चर में यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड। अब देखिए जो एक कलर्ड एरिया दिख रहा है ना आपका, उसको उसने बैकग्राउंड मान लिया है और रिमूव कर देगा। जो एरिया हाईलाइटेड है उसको समझ लिया है कि यह है, तो जैसे कहीं क्लिक करूंगा वो आपका रिमूव हो जाएगा। लेकिन चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड अपने रिमूव अपने हिसाब से हो तो यहाँ पे आएगा कि कीप मार्क एज ए कीप एरिया, एरिया टू कीप। तो यहाँ से आप जो है उसको आराम से मार्क कर लीजिए पेंसिल से कि कितना एरिया आपको रखना है। उस हिसाब से जो है वो रख लेगा। ये सब चीज फोटोशॉप का होता था, ठीक है। और यहाँ पे मैं कीप एरिया कर दूँ ना यहाँ पे, आ गया रिमूव हो गए। इस तरह से बैकग्राउंड वगैरह रिमूव की जा सकती है। मैं यहाँ पे रीसेट पिक्चर कर दूंगा तो जैसा था वैसा हो जाएगा वापस। फिर इसमें बात आती है करेक्शंस की। करेक्शन मतलब कि इसकी जो सॉफ्टनेस को या ब्राइटनेस को कम और ज्यादा कैसे किया जा सके, यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं कि कितना ब्राइटनेस और कितना सॉफ्टनेस हो। इसको एक कलर में जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट में आपको करना हो गया, एक कलर में क्लिक कर दे ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। तो एक एक पर्टिकुलर कलर में आप इसको रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते। यहाँ पे आर्टिस्ट जो स्टाइल होता है उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं इस तरह से स्केच वगैरह में, ठीक है, कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, पीछे का चीज जो है वो कितना दिखे और ट्रांसपेरेंसी हो। पीछे से कोई एक पिक्चर के ऊपर आपने दूसरा पिक्चर रखा है या पीछे कोई कलर शेड वगैरह रखा है
पीछे की एरिया कितना दिखे या बैकग्राउंड में डालना चाहते हैं तो इसका यूज आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है कंप्रेस पिक्चर। अब कंप्रेस पिक्चर क्यों करते हैं कि क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास जो डेटा होते हैं, जो पिक्चर्स होते हैं, वो काफी ज्यादा ये होता है, बड़ी होती है, जिसका कारण आपके फाइल की साइज बढ़ जाती है। अब कभी कभी क्या होता है, जीमेल पे आप मेल करना चाहते हैं तो उसकी मैक्सिमम साइज है तो उतनी एमबी नहीं जा पाती है, मैक्सिमम 25 MB तक जाएगी, तो उससे आगे तो ये आपके यहाँ से कंप्रेस पिक्चर जो है कर देंगे तो कंप्रेस हो जाएगा, अनवांटेड पिक्चर्स को रिमूव कर देगा। ठीक है, उसके बाद आता है चेंज पिक्चर। जैसे मान लीजिए आपने जो स्टाइल डिजाइन और बाकी चीज आपने लगा रखी है, उसमें आप कोई और पिक्चर फिट करना चाहे तो पिक्चर फिट कर सकते हैं। या आपको लगता है कि आपने पिक्चर जो ऐड किया है जिससे आपका गड़बड़ हो गई है, ओरिजिनल पिक्चर कुछ अच्छा था, ये गड़बड़ हो गई है, तो यहाँ पे आप रीसेट पिक्चर करेंगे। तो जैसे आपने देखा भी, मैं रिमूव बैकग्राउंड कर रखा था, मैं रीसेट किया तो वापस आ गया हमारा, तो रीसेट करके वापस ला सकते हैं। उसके बाद आता है पिक्चर की स्टाइल, पिक्चर को किस स्टाइल में आप रखना चाहते हैं, वहां से यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ना सर, उसके बाद आता है पिक्चर का बॉर्डर। पिक्चर की बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं या बॉर्डर की थिकनेस को बढ़ाना घटाना चाहते हैं, और यहाँ पे डैश डैट चाहिए, डॉट डॉट चाहिए, किस तरह का आपका चाहिए, यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं आप। उसके बाद पिक्चर की इफेक्ट, आप अपने हिसाब से पिक्चर की जो इफेक्ट है वो इफेक्ट यहाँ डाल सकते हैं कि पिक्चर एक अलग इफेक्ट में आपको दिखे। उसके बाद पिक्चर के लेआउट्स हैं कि मान लीजिए इसको आप अलग अलग लेआउट्स में डालना चाहते हैं, हालांकि इसका यूज नहीं करते हैं, इसका इसके लिए ऑलरेडी इंसर्ट में हमारे पास स्मार्ट आर्ट है जिसका यूज हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका यूज हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए कि अभी हमने पिक्चर टाइप किया, थोड़ी देर पहले हम पिक्चर को अपने हिसाब से जहां मर्जी वहां मूव कर पा रहे थे ना, बट अब नहीं मूव कर पा रहे, नहीं कर पा रहे नहीं। तो बहुत सारे केसेस में पिक्चर को अब अपने हिसाब से अपने जगह पे मूव नहीं कर पाएगी, वो एंटर के हिसाब से ऊपर या नीचे ही हो पाएगा, लेफ्ट राइट में टेक्स्ट के हिसाब से तुम टेक्स्ट टाइप करोगे, टैब मारोगे तो जा पाएगा। अच्छा। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि पिक्चर को आप जो है नॉर्मल इस तरह से ना रखे, पिक्चर को रखे टेक्स्ट बॉक्स में, सैप्स के अंदर टेक्स्ट, सैप्स के अंदर आप टेक्स्ट बॉक्स को ले लें, टेक्स्ट बॉक्स को डिजाइन करें और इसके अंदर आप अपने पिक्चर को रखें और टेक्स्ट बॉक्स को पिक्चर के अकॉर्डिंग ही रिसाइज कर लें। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को आप जहां मर्जी जैसे मर्जी वहां मूव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन सर जब ये लाइक जो बॉक्स है अगर उसको हम रिमूव करना चाहेंगे तो क्या ये लाइनिंग हटाना चाहते हैं आप? हाँ, इसकी इसका भी एक फॉर्मेट है, इसका भी बॉर्डर है, इसकी स्टेप आउटलाइन को नो फिल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से इसको इजीली हम रिमूव कर सकते हैं। डाउट अगर, अगर रिमूव करेंगे तो फिर ये पिक्चर तब भी मूव करेगी? हाँ हाँ हाँ, रिमूव नहीं मतलब कि हमने क्या किया उसकी कलर को नो फिल कर दिया, मतलब है लेकिन कलर ही नहीं दिखेगा। हाँ, हाइड कर दिया।
ठीक है, तो पिक्चर्स को स्नैप में डालेंगे तो बेहतर है। अब दूसरी बात आती है कि मैंने कई सारे पिक्चर्स डाल रखे हैं यहाँ पे, तो कभी कभी क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं एक पिक्चर को यहाँ से उठा के मूव नहीं कर पा रहा, इसमें हमारे पास जो आता है पिक्चर फॉर्मेट में एक हमारा रैप पोजीशन आता है कि आपको उसको टेक्स्ट को जिस पोजीशन में डालना चाहते हो, अगर पोजीशन चेंज किया तो मैं अब इसको रिमूव कर पा रहा हूँ, दिख रहा है आपको सर। तो आपको यहाँ से अपनी टेक्स्ट की पोजीशन बतानी है कि आपका टेक्स्ट किस पोजीशन में हो, उस हिसाब से फिर ये मूव होता है। अच्छा है, मान लीजिए मैंने दो पिक्चर को रख दिया पी, अब मैं चाहता नहीं पीछे वाला दिखना चाहिए ऊपर वाला नहीं दिखना चाहिए, तो पीछे आप क्या करेंगे, पीछे वाला सेलेक्ट करेंगे, विंग फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है, सेंड टू बैकवर्ड पीछे कर दे, विंग फॉरवर्ड पीछे चल जाएगा, आगे चल जाएगा। सिलेक्शन पेन में मैंने पहले ही बताया था कि इसमें हमारा जिसको किसी को हाइट रखना है किसी को नहीं रखना है, ना कि विजुअलिटी को आप रख सकते हैं, मान लीजिए इसे हटाना है, कभी कभी क्या होता है कि लेटर हेड हमारे लेटर हेड के फॉर्मेट के साथ डिजाइन बना होता है, और भी क्या होता था कि हमें कोई भी डिमेंट निकालना होता था उनको लेटर हेड पे निकालते थे, फिर उस लेटर हेड की फोटोकॉपी करवाते थे। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि मैं लेटर हेड पे प्रिंट आउट निकालने के बाद फिर कॉपी मशीन पे जाके फिर करना पड़ता था, कॉपी मशीन कभी भी खराब होता था या किसी किसी ऑफिस में है ही नहीं तो फिर बाहर मार्केट जाना पड़ जाता था ना। हमने क्या कर लिया, हमने लेटर हेड का जो ऊपर हेडिंग होती है डिजाइन होता है ना, उसको हमने अपने एक्सेल अपने इसमें वर्ड में उसको डिजाइन कर रखा था ऊपर। अच्छा, अब कभी वो पिक्चर फॉर्मेट में भी, तो जब मुझे लेटर हेड पे प्रिंट करना होता था तो हम क्या कर देते कि हम वहां से उसकी हेडिंग को रिमूव कर देते थे, हेडिंग को हाइड कर देते थे ताकि वो प्रिंट पे नहीं आता था। हमने पहले लेटर हेड पे प्रिंट किया है, फिर हमने उस लेटर हेड की फोटो स्टेट करवाई उस लेटर पे, क्योंकि होता दोनों एक ही चीज से था, क्योंकि ऑफिस में तो लेजर जेट हुआ करता था ना, कलर प्रिंटर तो होता नहीं था। तो आप यहाँ से पिक्चर की सिलेक्शन पेन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पिक्चर फॉर्म, ठीक है, अलाइन। अब मान लीजिए कि दो तीन पिक्चर्स को हमने यहाँ पर रख रखा है, मान लीजिए छोटा कर देता हूँ, पिक्चर हो या स्नैप हो सब पे सेम वर्क करता है, अब ये देख आप देखेंगे कि ये सही से अलाइन नहीं था, तो मैं कंट्रोल होल्ड रखते हुए तीनों को सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से अलाइन का ऑप्शन आता है, अलाइन लेफ्ट, तो ये तो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल नहीं है, ये टॉप में अलाइन होगा ना, तो टॉप में तीन एक सीट पे आ जाएगी, उसके बाद हाँ सेम मिडिल हो गया, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, तो हॉरिजॉन्टली होगा, मतलब कि हर पिक्चर के बीच में सेम गैप हो जाएगा, गैप सेम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप, अब मान लिया तीनों पिक्चर जो है आप देख पा रहे हैं तीनों का अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग अलग सिलेक्शन होती है तो अलग अलग उसका इम्पैक्ट होता है, अगर मैंने इसको सिलेक्शन पेन कर दिया यहाँ पे, यहाँ सॉरी ग्रुप कर दिया, तो क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया, मतलब कि अभी यहाँ से हटेगा नहीं, एक साथ हटेगा, एक साथ मूव होगा, उन्होंने इसको ग्रुप कर दिया। उसके बाद रोटेट, अपने एंगल पे इसको रोटेट कर सकते हैं, जिसकी अपनी जो यहाँ पे कॉर्ड का भी ऑप्शन है, कॉर्ड मतलब कि मान लीजिए किसी पिक्चर को मुझे अपने हिसाब से कटिंग करनी है, मतलब कटिंग करनी, एक्स्ट्रा चीज हटानी है तो कॉर्ड करते हैं यहाँ से हम, और एक कॉर्ड हो जाता है, देखो यहाँ से मुझे कॉर्ड करना पड़ेगा, कॉर्ड करते हैं इस तरह से ब्लैक कलर का कॉर्नर्स बन जाएंगे, और जैसे जैसे मूव करेंगे ये आपका मूव हो जाएगा, और इस बाहर जैसे क्लिक करूंगा ना मैं तो कट जाएगा, हाँ, ये हमारा कॉल था, ठीक है। उसके बाद इसके सेम साइज में चाहते हो कि एक एग्जैक्ट साइज में हो, एक साइज में यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हो कि एग्जैक्ट साइज में होना चाहिए, ठीक है,
तो पिक्चर्स यही होती है। तो पिक्चर्स मैंने अभी आपने देखा, पिक्चर्स को मैंने कॉपी पेस्ट करके लाया था। आप पिक्चर्स को जो है, अगर आपकी पिक्चर्स जेपीजी की फॉर्मेट में इसी पीसी में सेव है, तो दिस पीसी पे क्लिक करके यहाँ से पिक्चर आप लेके आ सकते हैं। ओके लोकेशन में जाइए, पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए एंड इंपोर्ट इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, वो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी और फिर पिक्चर की फॉर्मेटिंग जो मैंने बताई वो बिल्कुल सेम होती है। उसके बाद यहाँ पे आता है स्टॉक इमेज। स्टॉक इमेज में क्या होता है कि आपके इस पे bing.com पे जाएगा, वहां से कुछ इमेजेस पहले से प्री डिफाइंड इमेजेस हैं, यहाँ से उसको आप लेके आ सकते हैं। जैसे आइकन चाहिए, कटआउट पीपल चाहिए, स्टिकल चाहिए, स्टेशन चाहिए, कार्टून पीपल चाहिए, बस आपको सेलेक्ट कीजिए और इंसर्ट कीजिए, आ जाएगा। ठीक है, विदाउट इसमें नो सेट्स में यहाँ पे आप एक डिजाइन भी इस तरह से सेट बना सकते हो। और मैं बाहर इसमें मर्ज नहीं आता, तो मर्ज इसमें होता है आपके सर, मुझे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा क्योंकि आपके गेटिंग अपडेट्स आ रहा है सर, वो क्या बोलना है। गेटिंग अपडेट्स करके आ रहा है आपको सर, तो वो स्क्रीन पे दिख नहीं रहा नहीं, इसमें नहीं है, इसमें वर्ड में मेरे नहीं, में। पावर पॉइंट में होता है मर्ज। तो दो सैप को मर्ज कर सकते हैं आप, जैसे कि अभी हमने लिया था ना, वो इसमें होता है आपका पीपीटी में होता है, वो चीज बताना चाहूंगा आपको। मैंने यहाँ इंसर्ट किया और इंसर्ट पे मैंने यहाँ से सैप ले लिया और ये सैप यहाँ से डिजाइन कर दिया, राइट। फिर इसको कटआउट को मैं कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसके ऊपर। अब इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, मर्ज ठीक है। इसको सर मर्ज करेंगे, यूनियन करेंगे तो अलग हो जाएगा, मर्ज इंटरसेक्ट हो ये होता है। ये कंबाइन से परफेक्ट ही बना बना, जैसे हुआ ना, दोनों होता सिमिलर, यहाँ पे लड़की का फोटो ही दिखेगा, बीच का एरिया मर्ज हो जाता है। तो हम लोग मेल फीमेल चार्ट बनाने के लिए इसका यूज करते थे एक्सेल पे। तो एग्जांपल मैं अच्छा सा निकाल के आपको दिखाऊंगा, चिंता मत। तो इसके बाद इसी में आपका आता है आपका पिक्चर ऑनलाइन, मतलब कि आप bing.com पे जाके आराम से अपना पिक्चर सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स होती हैं
यहाँ से को भी आप टेक्स्ट सर्च कर ले। मान लीजिए मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से इंसर्ट कर लिया, तो कोई भी पिक्चर्स आप ऑनलाइन इंडिया था मास ठीक है सर, ठीक तो यहां से हम पिक्चर्स समझ में आ गई। यस सर, पिक्चर्स के बाद हम बात करते हैं स्टेप्स की। तो जैसे पिक्चर्स तो की बड़ी बड़ी फॉर्मेटिंग है आपने सेट कर लिया, लेकिन यहाँ स्टेप्स में आता है कि आप अपने हिसाब से जो भी स्टेप लेना चाहे वो स्टेप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया, लाइन हो गया, ये आपके बाकी स्टेप्स हो गए, ये आपका कर्व हो जाता है जो सिलेक्ट किया आपने, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप यहाँ से स्टेप्स में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक स्टेप्स ले लिया यहाँ पे इस तरह से, अब इसकी भी एक अपनी फॉर्मेटिंग है, जैसे कि यहाँ पे उसकी कलर्स डिजाइन है। उसके बाद हम बात करें इसमें आपका कलर्स डालना आप हिसाब से डाल सकते हैं, आउटलाइन और इसकी इफेक्ट वगैरह अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है द इसको आप इसकी भी फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से आप कर सकते हैं कि इस पे टेक्स्ट लिखा हुआ किस तरह का फॉर्मेट का हो। मैं तो बड़ा करूंगा तो आपको समझ में आएगा कैसे होता है। और सेल्फ फॉर्मेट में देखा है इसकी फॉर्मेटिंग आप यहां से कर सकते हैं। बाकी वही है जो आपने पिक्चर में यूज किया है, इसमें कोई खास नहीं है। टेक्स्ट का डायरेक्शन, टेक्स्ट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए और डायरेक्शन यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट की अलाइन टॉप मिडल बॉटम अलाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे कहा था एडिट सेव, मैं शेप को चेंज कर सकता हूँ, आपने गलत ड्रॉ कर लिया तो उसको अपने हिसाब से अपने सेव को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आता है एडिट पॉइंट्स। एडिट पॉइंट्स में क्या होता है कि आप जो है पॉइंट्स बन गई, अब इसको शेप्स को अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका शेप्स का होता है, बाकी तो नॉर्मली वही है। और जो शेप्स आप लेते हैं उसके हिसाब से उसका फॉर्मेटिंग यहाँ पे आपको दिखती है, राइट। तो ट्राई करके देखिएगा। शेप्स के बाद आता है आइकन्स, आप यहाँ आइकन्स वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी पेज में पिक्चर्स में दिखाया था आइकन स्टेशन कटआउट वगैरह आप ला सकते हो, वही सेम चीज है ना, उसकी भी फॉर्मेटिंग सेम होती है। उसके बाद अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल लेटेस्ट एमएस ऑफिस है, इसमें 3D मॉडल्स है कि आप इसमें 3D मॉडल्स को भी डाल सकते हैं, ठीक है। देखिए इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, जैसे मैंने यहाँ पे टेबल लिया और मैंने एरोप्लेन को लिया और इंसर्ट, तो ये देखिए जो मॉडल को यहाँ लेकर मैं नीचे तक लेकर आता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ उसको, ये देखिए एक एरोप्लेन का फ्रंट मॉडल है। अब यहाँ से इसको रोटेट कीजिए, लेफ्ट राइट बॉटम अप, दिख रहा है आप उसे, आपका 3D मॉडल, ठीक है। देखिए लेटेस्ट एक्सेल में पुराने में है, क्लियर है ना। तो ये पिक्चर्स पे आप अपना हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। कल की क्लास में हम आपको स्मार्ट आर्ट चार्ट और स्क्रीनशॉट बताएंगे। स्मार्ट आर्ट थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है,
चार्ट पेपर बनाने के लिए। इसलिए आप जो एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेते, फिर मैं आपको मैं कल स्मार्ट आर्ट बताऊंगा। ठीक है, ओके बाय बाय, थैंक यू।